हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल हर्षित यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पे मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूँ। इस तरीके से अगर आप अपने फोन से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे तो 101% आपका वीडियो वायरल होगा। मैं कैसे कह सकता हूँ, पूरा 2 साल का यूट्यूब पर मेरे को एक्सपीरियंस है। 2 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, मेरे और भी 3 चैनल्स है जिनमें मैं काम कर रहा हूँ और काफी अच्छे से वो चैनल चल रहे हैं, तो मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है कि सही तरीका यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने का क्या है। आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव फोन की सिम ले जाने के बाद अपलोड करके दिखाएंगे लाइव। बिल्कुल, कई यूट्यूबर्स क्या कहते हैं कि अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर से वीडियो अपलोड करें। उसमें क्या होता है कि हम वहीं पर टैक्स लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तभी हमारा वीडियो वायरल होगा। अगर हम फोन से करते तो उस केस में हमारा वीडियो वायरल होने के चांसेस कम रहते। बट मैं बता दूं, मेरे भी जो भी चैनल्स हैं, जितने भी मैंने अपलोड की, सारी वीडियोस मोबाइल फोन से अपलोड की हैं। और हाँ, एक वीडियो मेरी काफी अच्छी वायरल हो गई जो कि मैंने सिर्फ मोबाइल से ही अपलोड की थी। कौन से तरीके से की थी, वही तरीका हम आपको लाइव आज आपको फोन की स्क्रीन ले जाने के बताने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो गाइस, देखिए, फोन आपके फोन में 2 एप्लीकेशन होना कंपलसरी है। फर्स्ट यूट्यूब, जो कि सभी में डलकर आता है। सेकेंड यूट्यूब स्टूडियो, ये 2 एप्लीकेशन एक यूट्यूबर के फोन में होना बिल्कुल कंपलसरी है। और उसके बाद आपके फोन में एक पिक्सेल ऐप होना चाहिए जहां से आप थंबनेल क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। और काइन मास्टर वगैरह होना चाहिए, एडिटिंग एप्लीकेशन जिसकी मदद से आप वीडियो एडिट कर पाए। शूट एडिटिंग थंबनेल बना लेना है, टैग डालना है, डिस्क्रिप्शन आपको पहले से ही नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है। नोट पैड आप कोई भी शो कर सकते हैं और वहां पर आपको टैग, टाइटल, टास्क, क्वेश्चन सब कुछ नोट करके रख लेना है। वीडियो एडिटिंग कंप्लीट कर लेनी है, थंबनेल बना लेना है और उसके बाद अब आपको अपलोडिंग का टाइम आता है। थंबनेल कैसे बनाते हैं, लिंक आई बटन में वीडियो बना के रखी है, ठीक है। वीडियो शूट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, बहुत जल्द हर एक चीज पे वीडियो आएगी। जो भी चीज मैं आपको बताता हूँ, मेरी हर एक चीज मेरे चैनल पर आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो जाने के लिए वीडियो एंड तक देखना, बच्चों पर अगर पहले चैनल पर आ रहे तो सब्सक्राइब कर लेना, बस के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। सो बिना टाइम फॉर ले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरू चलते हैं फोन की स्क्रीन पर। सो गाइस, देखिए, मैंने टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन अपने नोट्स में, ये देखिए, सारा चीज लिख रखा है। डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग सब कुछ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करता हूँ, टाइटल को ना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी एक कोई नोट पैड रखना चाहिए, ठीक है। पूरा ट्यूटोरियल में लाऊंगा कि आप कैसे क्या तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने टाइटल को कॉपी कर लिया। उसके बाद देखिए, आपका थंबनेल, वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप यूट्यूब एप्लीकेशन में आइए और यूट्यूब एप्लीकेशन में आने के बाद ऐड के निशान पर क्लिक करिए। यहाँ पर मेरे में वीडियो आ रहा, तो वीडियो के ऑप्शन में क्लिक करूँगा और उसके बाद आपको यहाँ पर वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी जो भी आपको अपलोड करनी है। मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद देखिए, यहाँ पर टाइटल, ठीक है। तो जो अभी मैंने टाइटल कॉपी किया था वो इसको यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद पूरा डिस्क्रिप्शन, ये पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन मुझे डालना है पूरा, सेलेक्ट ऑल, कॉपी, यूट्यूब में आया, डिस्क्रिप्शन पेस्ट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइवेसी आप यहाँ पर हमेशा अनलिस्टेड करें, ठीक है, जब भी वीडियो अपलोड करें अगर आपकी फाइल छोटी है, ताकि हमें हर एक काम, अगर आपका इंटरनेट फास्ट है ना, तो आप यहाँ पर अनलिस्टेड जरूर करें, ठीक है। मैं तो कहूँगा आप अनलिस्टेड करें, उसके बाद पब्लिक करें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको अपलोड के हिसाब से क्लिक कर देना, बट मैं पब्लिक कर रहा हूँ जानबूझ के, यहाँ पर आप अनलिस्टेड आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपलोड के हिसाब से क्लिक कर देना है और वैसे ही यहाँ पर ये वीडियो अपलोड होने लगी। अब जो मैंने आपको बताया था, 2 एप्लीकेशन पड़ेगी, यूट्यूब एंड बाइटी स्टूडियो। तो यहाँ पर अब हमें बाइटी स्टूडियो में जाना पड़ेगा, तो हम बाइटी स्टूडियो में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये HDTechZee चैनल का खुला है इसमें, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करना है। उसके बाद जो वीडियो आपने अभी अपलोडिंग को लगाई थी वो यहाँ पर आ चुकी है, देखिए, हाउ टू यूज किसको वेबसाइट, ठीक है। तो इसी पर एक बार मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपको थंबनेल लगाना है, प्लेलिस्ट में ऐड करना है, ठीक है, टैग्स लगाने। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है एडिट थंबनेल, इसी पे आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक कस्टम थंबनेल का ऑप्शन आ रहा है, इसे भी आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसको थंबनेल लगा देना है, ठीक है। तो ये मैंने थंबनेल सेलेक्ट कर लिया। थंबनेल कैसे बनाते हैं, लिंक आई बटन में जाकर देख लेना वीडियो, ठीक है। उसके बाद आपको सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ये थंबनेल यहाँ पर आप प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड टू प्लेलिस्ट, तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पर कोई भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मोनेटाइजेशन, तो मोनेटाइजेशन भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, ठीक है। एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो आप यहाँ पर कैटेगरी वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो, हर एक चीज़। उसके बाद बेसिक इन्फो पे आते हैं, यहाँ पर अब हमें टैक्स डालना है, ठीक है। मैं टैक्स कैसे डालता हूँ, मेरा तरीका देखिए आप। तो ये मैं यहाँ पर नोट्स में जो मैंने कीवर्ड्स आ रखे हैं कॉमा लगा लगा के, इसी को आपको यहाँ से कॉपी कर ले रहा है इनको, ठीक है। और सीधे ही टैक्स में मैं पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, बाइटी स्टूडियो में आया, ऐड टैक्स का ऑप्शन आया, इस पर एक बार क्लिक किया और यहीं पर मैंने सभी को दबा के पेस्ट कर दिया। तो ये मेरे सारे टैग्स यहाँ पर लग चुके हैं।
उसके बाद सेव के निशान पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपने अनलिस्टेड किया तो यहाँ से आप इसको पब्लिक कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, मेरी पहले से ही पब्लिक थी इसलिए मैंने सेव के निशान पर क्लिक कर दिया। सेव के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये प्रोसेसिंग हो रही है, अभी ये पूरी अपलोड नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर अपलोडिंग का काम पूरा जारी है, तो यहाँ पर जैसे ही अपलोड हो जाता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सारा बार कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, थंबनेल भी आ गया है, हर एक चीज़ यहाँ पर जो कि हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो टैग लगाने में एनीथिंग कुछ भी, तो नीचे आप कमेंट जरूर करना। सो गाइस उम्मीद करते हैं कि आप सही तरीका समझ गए होंगे कि जिसकी मदद से आप YouTube पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों बस फिर मुझे देखने बहुत बहुत मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया। अगर पसंद तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं हर साल से फिर मुलाकात करता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।